पीएम मोदी की यूपी में वर्चुअल रैली, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में करेंगे जनता को संबोधित, जनता से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट लेने की अपील। बीजेपी यूपी में जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, जेपी नड्डा, अमित शाह और मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद, घोषणा पत्र में किसान, युवाओं और महिलाओं पर रहेगा फोकस। भारत बना अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया, 5 बार ट्रॉफी जीतकर बनाया रिकॉर्ड। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पिछले 29 दिन से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। लता मंगेशकर की उम्र 92 साल थी। लता मंगेशकर के निधन के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अस्पताल के बाहर पुलिस का बंदोबस्त है। वहीं आज बीजेपी यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान, युवाओं, महिलाओं पर फोकस रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के घोषणा पत्र में रूठे को मनाने की भी कोशिश की जा सकती है। तो आज बीजेपी यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो मेन फोकस रहेगा वो बताया जा रहा है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के बीच रहेगा। तो ऐसे में देख रहा है होगा कि घोषणा पत्र में बीजेपी क्या क्या दावे करने जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान जोरों पर है। तमाम दलों के बड़े नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए वर्चुअल माध्यम का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी ने इसे जन चौपाल का नाम दिया है। आज 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के वोटरों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया जाएगा। तो पीएम मोदी की आज यूपी में वर्चुअल रैली होगी, जो कि मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में की जाएगी। इसको जन चौपाल का नाम दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जहां वो हापुड़ पहुंचेंगे, तो वहीं 12:40 पर ब्रह्मदेवी बालिका विद्यालय से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे और राही होटल मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं 5:00 बजे नोएडा पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। साथ ही 6:00 बजे प्रभावी मतदाता संवाद भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमीरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो सदर प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में उनकी ये जनसभा होनी है। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के हमीरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की आज जनसभा होनी है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे अजय कुमार लल्लू ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने युवा नौजवानों को छला है, उससे उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आज बीजेपी सरकार में प्रदेश अपराध, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। उत्तर प्रदेश में खाली भ्रष्टाचार, लूट और बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह इस सरकार ने नौजवानों को, किसानों को छला ठगा है, उनके विश्वास के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ है। अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश,
कुपोषण में नंबर एक उत्तर प्रदेश, गरीबी में नंबर एक उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश में का बा? भूख, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, ये तबा उत्तर प्रदेश में गैल। योगी जी गोरखपुर पहुँच गए बड़ा, अब सही जगह चल जाइए। भाजपा तो कह रही है यूपी में राम राज की परिकल्पना बन। देखिए यूपी में राम राज, क्या यही राम राज अगर भाजपा का है तो जिस तरह किसानों की निर्मम हत्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ियां कुचलकर, गाड़ियों से कुचलकर मार डाला, आपने देखा यही राम राज है। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया, क्या यही राम राज है? वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। आजादी के बाद कांग्रेस की ही अधिक समय तक सरकार रही, वो अपनी गलत नीतियों और दलित विरोधी होने के कारण सत्ता से बाहर हो गई। बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब सत्ता से बाहर है तो महिलाओं की भागीदारी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडों और दंगा करने वालों का भी राज रहा है। वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर कांड प्रमुख रहा। जाट समाज के साथ ही मुस्लिमों को भी काफी नुकसान हुआ। सपा सरकार में दलितों के महापुरुषों का भी सम्मान नहीं दिया गया, मुसलमानों को भी सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही शब्बीरपुर कांड हुआ, दलितों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने राज्यसभा में मुद्दा उठाया तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया। बीजेपी के शासनकाल में डीजल पेट्रोल के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, चुनाव के बाद और महंगाई बढ़ेगी। आज किसान बीजेपी सरकार से परेशान है, बसपा ने ही बिना पक्षपात के सभी वर्गों के लिए काम किया है। आगरा की जैतपुर पुलिस ने बसपा प्रत्याशी नितिन वर्मा निषाद सहित करीब 600 अज्ञात पर आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति के बसपा प्रत्याशी ने कस्बा जैतपुर में सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ पैदल रोड शो निकाला था। भीड़ देखकर आचार संहिता धारा 144 का उल्लंघन पाया गया और जिसके तहत अब मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बसपा प्रत्याशी ने पुलिसकर्मियों पर बेवजह परेशान करने और लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बसपा प्रत्याशी पर पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन का थाना पिनाहट में मामला दर्ज हो चुका है। तो आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा प्रत्याशी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि रैली के दौरान भारी भरकम भीड़ लेकर पहुंचे थे बसपा प्रत्याशी, जिसके बाद आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कांग्रेस की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक गायक अनीश सोनी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उनके समर्थन में कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मूल विचारों से भ्रमित हो गई है, इसके कारण कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों का पूरी निष्ठा और लगन के साथ प्रचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सभी के अभिभावक परम श्रद्धेय अतिथि डॉक्टर हरिंदर सिंह जी को कि आज आपके हाथों ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पुनः सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ग्रहण का सौभाग्य मिला। फतेहपुर में निर्दलीय एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, जिसके बाद मोहित यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप पर दबाव में पर्चा खारिज करने का आरोप लगाया है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 फरवरी को अपना नामांकन पत्र हुसैनगंज विधानसभा से किया था, जिसके सारे कागज सही थे, जिसका रसीद भी दिया गया था। 4 फरवरी को ARO AARO ने राजनीतिक दबाव में मेरा पर्चा खारिज कर दिया है। हमारा नामांकन पत्र मैंने दाखिल किया निर्वाचन कार्यालय में, आपके हुसैनगंज 242 विधानसभा के उसमें स्थितियाँ ये हैं कि मैंने जब नामांकन पत्र दाखिल किया है उस समय किसी प्रकार की उनने हमको कोई कमियां विशेष नहीं बताईं। उनने कहा कि इसमें एक दो जगह फ्लूट लगा है, कहीं कुछ और समस्याएँ हैं, बोले ये दिक्कत मतलब जो हो सकती है। आपने फॉर्म हमारा एक्सेप्ट किया,
मैंने पूछा कि सर अगर इससे कोई दिक्कत हो तो हमें वैसा बताइए। आपको खुले शब्दों में कह देना चाहिए कि ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है और त्रुटियों के कारण इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया, आपने फॉर्म की रिसीविंग मुझको दी, जो एक प्रत्याशी को पत्रावली दी जाती है, रजिस्टर मिलता है डेली के, मतलब खर्चे का, निर्वाचन का जो गाइडलाइन है, वो सारी चीज़ें आपने मुझको प्रोवाइड करा दी, इसके बाद मैं वहाँ से निकल करके आ रहा हूँ, तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने, सब लोगों ने बाहर हमारा कवरेज किया, ठीक है, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारा स्वागत किया, ठीक है, माले डाले, तमाम चीज़ें हो गई, वो चीज़ एक प्रसारण में आ गया कि न्यूज़ चैनल में भी हुआ, न्यूज़ पेपरों में भी आया, सारी चीज़ें हो गई, मतलब एक सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की भी कोई चीज़ होती है। संभल के सपा विधायक इकबाल मसूद के बेटे सुहेल इकबाल ने विवादित बयान दिया है। चुनावी कार्यक्रम में विधायक के बेटे ने यूपी सरकार को खूनी दरिंदगी सरकार बोलकर सरकार को खाड़ फेंकने की बात कही है। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग की वजह से भारत में विदेशी पर्यटकों के ना आने जैसा गंभीर आरोप भी लगा दिया। विधायक के बेटे का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि सुहेल इकबाल अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। इससे पहले विधायक इकबाल मसूद ने मोदी सरकार को मनहूस सरकार बताते हुए देश में कोरोना और बेरोजगारी लाने वाली सरकार करार दिया था। यहां खड़े होकर मुझे आपकी आंखों के अंदर वो सारे लम्हे नजर आते हैं जो 5 साल में आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई, बर्बरता हुई, मुकदमे लगाए गए, जेलों में डाला गया, उत्पीड़न हुआ, चाहे पुलिस द्वारा हो, चाहे प्रशासन द्वारा हो। आज जब यह चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, आज ये वक्त आ चुका है मेरे साथियों, जिसका इंतजार मुस्तकिल हम पिछले कई सालों से मुसलसल कर रहे थे और चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों को घोषणा हो। मेरठ के दबाथुआ गांव में इंटरनेशनल रेसलर और बीजेपी स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर हमला किया गया। हमले में बबीता फोगाट बाल बाल बच गई हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल के पक्ष में बबीता फोगाट प्रचार करने गई थी। एक घर में बैठकर वो मीटिंग कर रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के एक शख्स ने आकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसका बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वहीं एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले में बबीता फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है, दबथुआ गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों के साथ भी, उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियाँ बरसाई हैं और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम मुझे, अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुनते हुए आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो दो बातें कही थी वो मुझे याद आई गई उस दृश्य के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र जो सरधना थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आज एक सत्येंद्र नामक व्यक्ति के घर पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बबीता फोगाट जी, वो चुनाव प्रचार के लिए गई थी। उसी समय दूसरे एक राजनीतिक पार्टी के लोगों में से एक व्यक्ति वहाँ आकर के वीडियो बनाने लगा। इसी समय जो सत्येंद्र है उनके द्वारा विरोध किया गया, दोनों में आपस में हाथापाई मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में बता दिया गया है कि जो भी ये तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया कर लिया जाएगा। फिलहाल बबीता फोगाट जी के साथ अभद्रता कोई ऐसी चीज़ प्रकाश में अभी तक नहीं आई थी। आगरा में गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर फट गया, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गुब्बारा भरते समय यह हादसा हुआ। मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग का बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, घटना के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुब्बारा भरते समय सिलेंडर फट गया था, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ, इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल।
वहीं कन्नौज में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवती और उसके प्रेमी ने युवक की डंडे से पीट पीट कर हत्या करती थी। हत्या करने के बाद युवती का प्रेमी युवक का मोबाइल लेकर फरार हो गया। मोबाइल के जरिए दोनों को ट्रेस कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में एसपी प्रशांत वर्मा का कहना है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जनपद कन्नौज में थाना इंदरगढ़ क्षेत्र में एक युवक की हुए हत्या के मामले का खुलासा कर लिया गया है एवं इसमें दो अभियुक्त जिनका नाम गोरेलाल और ज्योति है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसमें ज्योति ने जो मृतक है उसको फ़ोन से बुलाया और इसके पश्चात गोरेलाल नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। और इस संबंध में इन दोनों को जेल भेजकर आगे कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए फतेहपुर जिले के एसपी राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने भिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कंचनपुर और चोटेलालपुर गांव में छापेमारी कर 1540 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही मौके पर 40 कुंतल लहन को नष्ट कराया गया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एसपी ने कहा कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं इस मामले में सीओ योगेंद्र मलिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना भिंदकी द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब बनाने तथा बेचने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम कंचनपुर तथा छोटेलालपुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान करीब 1540 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई तथा करीब 40 क्विंटल लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर नष्ट कराया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।